Hello students, how are you? Students, today we'll talk about the first order integrated rate equation, or in short we can say the first order kinetics. Do you remember in the last video we talked about the zero order kinetics? So today it's a time for the discussion of first order kinetics. Okay, so इसमें भी हम एक integrated rate equation drive करेंगे. And this equation is going to be really, really important. So many different questions has been asked over this equation जो आज हम drive करेंगे. और अगर अपनी if you see the NCERT itself, it is having so many different questions based on only one formula, one or two formula. Okay? And this is one of them. So now class, suppose अब हम start करते हैं. Suppose this is reactant class, and this is going to change into product. Okay? As we have done in the zero order, suppose at time is equal to zero, time is equal to zero का मतलब initial, जब reaction start नहीं हुआ है, okay? तो at time is equal to zero मतलब initial concentration of reactant, suppose it is R naught, and obviously the reaction has not started yet, the concentration of product would be zero. But at time t, एक टाइम टी पर व्हेन द रिएक्शन हैज बीन स्टार्टेड, सपोज टाइम टी पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पी. ओके, इट इज क्लियर. बहुत ही सिंपल सी चीज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. अब डिफरेंशियल रेट लॉ से इसका रेट निकालो, रेट ऑफ द रिएक्शन. डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट कितना आया इसका, रेट इट वुड बी माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय डी टी. ओके क्लास, व्हाई वी आर पुटिंग नेगेटिव हियर, ऑब्वियसली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर नेगेटिव. अगर हम रेट लॉ से लें, रेट लॉ से रेट निकालो क्लास. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट वुड बी के, K is what? Rate constant and concentration of reactant. Okay class, remembering? So suppose this is the first equation and this is the second equation. Now class, if we observe both the equation, first equation and second equation, both are giving us what? Rate of this reaction. Ye bhi rate hai, ye bhi rate hai. Dono ko hum equal kar denge. So it will become what? Minus dr by dt, it becomes equal to k concentration of reactant. Okay class, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको differential rate equation. This is differential rate equation. Okay class, this is differential rate equation. अब मैं ऊपर का रब कर देता हूँ, इसके आगे बढ़ते हैं, है ना क्लास. So this is differential rate equation, K concentration of reactant. रब कर दें इसको. Now class, अब हम क्या करते हैं, इसको हम T को इधर ले लेते हैं, R को इधर ले लेते हैं. So it will become what? Minus D R by concentration. ये हमने इसको R को यहां ले लिया और T को हम उधर ले लेंगे K की साइड में. इट बिकम्स K T. ओके क्लास, ये हमारा बन गया. अब नाउ क्लास, हम क्या करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं. जैसे हमने जीरो ऑर्डर में वी हैव कैलकुलेटेड द इंटीग्रेशन ना, सो इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं. इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं ये. ओके, और इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं. K इज कॉन्स्टेंट, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये ले लेते हैं. ओके क्लास, ये T नहीं है ऑब्वियसली, दिस इज डी टी, इट इज डी टी. ओके, इंटीग्रेशन कर लिया. नाउ अगेन क्लास, एज इट इज इंटीग्रेशन ना, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वील हैव टू टेक लिमिट्स. सो आर के लिए हम कौन सी लिमिट लेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर तक. और टी की हम क्या लिमिट लेंगे, इनिशियल टी क्या था, इट वॉज जीरो टू टी इज इक्वल टू टी की लिमिट लेनी है. ओके, ये हमने इसकी लिमिट ले ली. अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं. नाउ क्लास, फॉर द इंटीग्रेशन अगेन, हम इसका इंटीग्रेशन तो वी नो, K
क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसके इंटीग्रेशन लेना सीखा था। इसका क्या है, देखो क्लास, ये एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इसको याद करो। जैसे एक मैंने लास्ट टाइम कराया था, इंटीग्रेशन अगर 1 बाई एक्स का हम इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इट विल बिकम एल एन एक्स। ओके क्लास, एल एन एक्स। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, सेम ही चीज़ है ये, इसको ये देखो यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, इसको देखो आप, ये अलग रखो, इसको देखते हैं, इट बिकम्स माइनस आर नॉट टू आर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी आर। ओके क्लास, माइनस आई मीन के इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक डी टी। इट इज़ क्लियर क्लास? अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे मैंने यहाँ किया है, 1 बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, एल एन एक्स। सो वील हैव टू राइट हियर, अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इट बिकम्स, इसका इंटीग्रेशन हुआ एल एन आर। ओके क्लास, दिस बिकम्स एल एन आर। ये हमने इंटीग्रेशन, जैसे 1 बाई एक्स का एल एन एक्स था, ऐसे 1 बाई आर का क्या हुआ, आर। इसमें लिमिट क्या लेंगे हम, आर नॉट से आर तक की लिमिट ले ली। ओके क्लास, सिंपल। बट यहाँ पे माइनस था, माइनस हम यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे जो डी टी है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स। इन द सेम मैनर डी टी का क्या होगा, टी। सो के तो वैसे ही रहेगा के, इसका इंटीग्रेशन हो गया डी टी का टी, बट टी की एक लिमिट लगी हुई है 0 to t। ओके क्लास, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसको ओपन करते हैं, एल एन इज नेचुरल लॉग। ओके, सो इट बिकम्स माइनस, पहले आती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट आर माइनस लोअर लिमिट आर नॉट, ओके, इज इक्वल टू के, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो टी माइनस 0। ओके क्लास, अब मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, देखो माइनस एल एन लगाते हैं यहाँ पे, आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू, इट बिकम्स व्हाट, ये तो 0 हो गया, इट बिकम्स के टी। सो के टी माइनस अंदर से डालते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी। क्लास, सिंपल, समझ आ गया सबकी। अब हम क्या करते हैं क्लास, इसका मीनिंग क्या होता है, एल एन आर नॉट, ये हो जाएगा हमारा एल एन आर नॉट डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के टी। ओके क्लास, ये होता है ना लॉग एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट एक्स वाई, अगर ये होता है देखो एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका होता है एल एन एक्स बाई वाई, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्लास। ओके, सो नाउ इन दिस इन क्लास व्हाट इट विल बिकम, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू क्या होती है, 2.303। ओके, लॉग टू द पावर 10, इसकी बेस होगी 10 आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी। सो के की वैल्यू कितनी आई, ये टी इधर ले लो, इट बिकम्स 2.303 डिवाइडेड बाई टी। ओके, लॉग आर नॉट बाई आर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा क्लास। अब मैं इसके कुछ ग्राफ कराता हूँ आपको। ओके, ग्राफ करते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो, यहाँ देखो क्लास, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो
इसको KT को फिर से KT ले लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T ऊपर गया KT, और ये 2.303 से नीचे 2.303, इट बिकम्स लॉग इज इक्वल टू लॉग आर नॉट बाई आर। अगर इसके बीच में हम एक ग्राफ ले, एक ग्राफ ड्रॉ करें, टैप कर दूँ इसको, एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ लेता हूँ लॉग आर नॉट बाई आर, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये हमारा यहाँ पर हमने जो लिया है ना, ये है हमारा वाई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेरिजन करो, सो दिस इज वाई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, सो सी इज जीरो। सी इज वॉट क्लास, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, सी इज इंटरसेप्ट, सो सी इज जीरो। जब भी सी किसी का जीरो होता है इंटरसेप्ट, इट मीन्स द ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सो ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, ओके। सो ये है ग्राफ किसके बीच में, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, दिस इज टाइम। सो इनके बीच में अगर हम एक ग्राफ लेंगे, सो ग्राफ विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन। नाउ इसका स्लोप क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्लोप का मीनिंग क्या होता है क्लास। सो स्लोप क्या होगा इसका बताओ, स्लोप इज द एंगल, ओके। सो एंगल इट विल बिकम, देखो यहां पर, बिकॉज टी, यहां पर टी है, तो यहां पर ये आएगा हमारा स्लोप, ओके, इट इज स्लोप। सो क्लास दिस इज स्लोप, इट इज एम, एम के इक्वल है ये, दिस इज स्लोप। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इट इज के बाई 2.303, इज इट क्लियर क्लास, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं ठीक है इसको रब कर दूँ, अब समझ आ गया आई थिंक ये। अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक और ग्राफ, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ओके, जस्ट ऑब्जर्व दिस, एक और ग्राफ है। नाउ लिसन क्लास, अभी हमने देखा था एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ओके। इसी से फिर हम यहाँ से चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, एल एन को रिमूव करते हैं हम यहाँ पे, पहले ऐसे ले लेते हैं एल एन आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी, एल एन को रिप्लेस किया, इट विल बिकम 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी। अब ये 2.303 यहाँ ले जाओ नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सो इट विल बिकम लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। कोई प्रॉब्लम क्लास इसमें, नहीं ना, इसको फिर से ओपन कर देते हैं। सो लॉग ए बाई बी क्या होता है, इट विल बिकम, हमें पता है लॉग ए बाई बी मीन्स लॉग ए माइनस लॉग बी, बिल्कुल वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। ओके क्लास समझ आ गया सबकी, यहाँ रख कर देता हूँ इसको मैं। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक और इक्वेशन बनती है, वी गॉट अनदर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसको और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, देखो ये जो टर्म है ये लॉग आर नॉट ले जाता हूँ उधर में, सो इट विल बिकम माइनस लॉग आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। ओके क्लास, ये इधर ले लिया मैंने, इट बिकम्स माइनस, लॉग माइनस में हो जाएगा, जैसे ही ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके क्लास, सिंपल सी चीज़, अब इसके साइन चेंज कर दो, सो लॉग आर इज इक्वल टू, साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, सो इट विल कम माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस लॉग आर नॉट। क्लास ये वी गॉट अनदर इक्वेशन, ओके, एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन, दिस इज वाई इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। ओके अब हम यहां देखते हैं कौन कौन सी चीजें किसके इक्वेलेंट। दिस इज ऑन वाई एक्सिस एंड एम ये जो है ना माइनस ये एम है। दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द इंटरसेप्ट। सो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं यहां पर, ये ग्राफ अच्छा नहीं आ रहा क्लास, लाइन सीधी नहीं आ रही। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, इट इज इन बिटवीन लॉग आर कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करो, सो इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे कैसे स्ट्रेट लाइन, दिस इज वाई। यहाँ देखो वाई एक्सिस पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने टी लिया है, सो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप, देखो यहाँ पे क्लास स्लोप कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे मूव करता है ग्राफ, नेगेटिव होता है तो उल्टा ग्राफ आता है ऐसे। ओके सो ग्राफ आएगा ऐसे। अब एक चीज और देखनी है, इंटरसेप्ट इज गिवन, सी इज गिवन, सो इट मींस देयर शुड बी अ इंटरसेप्ट। सो इट मींस कहीं ये वाई एक्सिस पे कट करेगी तो इंटरसेप्ट बनेगा। तो हम ले लेते हैं इसको, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये इंटरसेप्ट कट किया। ओके तो इसका स्लोप क्या हुआ क्लास, इस ग्राफ का स्लोप क्या हुआ, ये हुआ स्लोप। सो इट विल बिकम माइनस के बाई 2.303। ओके क्लास एंड ये तो हो गया स्लोप इसका। ये जो इंटरसेप्ट है जहां ये कट कर रहा है, इट बिकम्स व्हाट, लॉग आर नॉट। इंटरसेप्ट क्या होता है क्लास, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटरसेप्ट इज यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। सो दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जहां से स्टार्ट किया था, जीरो ऑर्डर का ध्यान रखो। सो इट बिकम्स लॉग आर नॉट, ये पूरा का पूरा होगा हमारा लॉग आर नॉट, यहां से यहां तक कट किया है। ओके क्लास तो हमें ये एक और ग्राफ मिला, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास, सिंपल था ग्राफ। सो क्लास नाउ वील टॉक अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो क्लास यू नो वन थिंग, हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, हाफ लाइफ इज द time period in which the concentration of reactant becomes half of its initial amount, तो उसे बोलते हैं हम half life। okay class, half life के बारे में और अगर देख रहे हैं तो previous video देख लेना एक बार। okay so half life हमें पता है, अब हम इसकी half life कैसे निकालें, देखो class now listen here, half life is represented by t half। अब यहां पर देखो initial concentration है r, लेकिन हाफ लाइफ के टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आर का वो कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ इज वॉट, इट इज द टाइम पीरियड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो ये जो है जो आर है टी हाफ पर, मतलब हाफ लाइफ पर, ये कितना हो जाएगा अमाउंट इसका, ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाएगा। सो इट विल बिकम, इनिशियल अमाउंट वॉज आर नॉट डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया हमारा आर। टाइम कौन सा है हमारा, टाइम को वी कैन रिप्रेजेंट एज टी हाफ बिकॉज इट इज हाफ लाइफ। ओके क्लास अब इसको इसमें हम पुट करें, सो के विल बिकम 2.303, टी को ले लेते हैं टी हाफ लॉग, यहां पे आर नॉट की वैल्यू तो आर नॉट ही रहेगी, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ, सो आर नॉट बाई टू, इस आर नॉट से आर नॉट गया, यहां पे बचा लॉग टू। ओके क्लास सो के इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, इसको टी हाफ को इधर ले लेते हैं, सो टी हाफ इधर आया, ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय के क्लास, इट बिकम्स लॉग टू, एंड क्लास वी नो लॉग टू की वैल्यू होती है 3.3, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3। ओके सो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 0.3 हाफ 2.303 इनटू लॉग टू की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाय के। ओके क्लास सो टी हाफ कम्स आउट टू बी विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज 0.6
93 divided by k. This is the half life of first order. Okay, class, इसको note down कर लो. This is the half life of first order. This is half life of first order. Now class, अब इस half life जो है, this is 0.693 divided by k. Do you remember, हमने देखा था zero order में, हमने देखा था half life. Half life was directly proportional to the initial concentration. Okay, zero order के लिए जो t half थी, it was directly proportional to the initial concentration. Okay, हमने ये देखा था, मैंने last class में आपको बताया था. But for the first order, the half life is independent of initial concentration. Half life is independent of initial concentration. Initial concentration. Okay, it is independent. अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ओके, सपोज ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये टी हाफ है, ओके, तो टी हाफ पर कौन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, टी हाफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी? एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आई मीन विच शुड बी पैरेलल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जीरो ऑर्डर इज कंसर्न. द हाफ लाइफ इज directly proportional to the initial concentration, but as far as the first order is concerned, the half-life is independent of initial concentration. Okay class, listen, there is a question given here, okay, so we'll have to solve this numerical. It is based on that formula which we have done, okay, whose derivation we have just done, okay. So it is saying initial concentration of N2O5, it is a first order reaction, first thing, okay. And this is the equation which is given here. And they are saying the initial concentration of N2O5. N2O5 is what? It is a reactant. Ye de rakha initial concentration is this. Okay. Itna temperature hai. The concentration of N2O5 after 60 minutes. 60 minute baad, iska concentration becomes this. So they are asking calculate the rate constant and the half life of the reaction. So first of all class, we'll have to note down one thing. This is the first order reaction, okay, and the initial and the final concentration is given. Initial concentration of reactant is given. This is what? This is the initial concentration. So class, as you know, in the numerical, first of all, what we'll have to do, write whatever is given in the question. So R naught, initial concentration of reactant is given. This is 1.2 into 10 to the power minus 2 mole per liter. मैं यहाँ मोल लिख लेता हूँ, moles per liter. It is given. And they are saying the concentration of N2O5 after 60 minutes. मतलब time लिया 60 minutes के बाद the concentration becomes, कितना concentration after 60 minutes the concentration becomes 0.2 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर. सिंपल क्वेश्चन, ओके. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एंड व्हाट इज हाफ लाइफ. ओके क्लास, दे आर आस्किंग दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वील हैव टू डू क्लास, न्यूमेरिक हमें सब कुछ पता लग गया, अब हमें फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला वी नो के, यहां लिख लेते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है क्लास, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 divided by time log initial concentration divided by the concentration after time t. Okay, everything is given, we'll have to find out this k. Okay, time is also given, 60 minutes baad concentration ho gaya itna. So sabko rakho yahan par. So 2.303 log, what was initial concentration? This is given in initial concentration. So it is 1.2 into 10 to the power minus 2. And the concentration after time t 60 minutes baad, itna hua. This is R. So yahan rakhenge hum, ye ho jayega 0.2 into 10 to the power minus 2. Aur 2.303 divided by t, kitne minute?
60 मिनट्स, सो 60 वील हैव टू राइट हियर, ओके। ये इसको कट करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 6, यहाँ से कैंसिल हो गया, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इट बिकम्स 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग 6, ओके क्लास। लॉग 6 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 0.7, लॉग 6 होता है हमारा 0.7, ये यहाँ पे रखना है इसको, इसको कैलकुलेट करो जरा, बताओ जल्दी से मुझे। सो क्लास इट वुड कम आउट टू बी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 6 की वैल्यू 0.7 लगाई, इट विल कम आउट टू बी 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अप्रॉक्सीमेट, और वी कैन से 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके। इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर पर सेकेंड, सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ के। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। नाउ क्लास नेक्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, ओके। ये तो हो गया पहला, अब हाफ लाइफ निकालनी है, ये कट करते हैं। के की वैल्यू कितनी आई क्लास, 2.7, ये लिख लेते हैं के की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है, ये आया के की वैल्यू आई 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके पर सेकेंड, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। अब हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट फार्मूला है, सिंपली सॉल्व करो आंसर आएगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, सो इट विल कम आउट टू बी 25.6 मिनट्स, ओके क्लास। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ इट, ओके क्लास। समझ आ गया होगा आई थिंक, कि बहुत आसान न्यूमेरिकल था, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, एक और देख लेते हैं हम। सो नाउ क्लास, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट द सूडो, विल टॉक अबाउट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ओके। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं एक्चुअली क्लास, दीस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स एक्चुअली दीस रिएक्शंस आर नॉट एग्जैक्टली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट ड्यू टू आई कैन से अंडर सर्टन कंडीशंस दीज ऑर्डर्स, आई मीन दीज काइंड ऑफ रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर, आई मीन ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं एक्चुअली दीज आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। कौन सी कंडीशन है, क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ओके। रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लास देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताता हूं। ये ले लेते हैं एग्जांपल, CH3COC2H5, ओके, प्लस वाटर, अगर हम इसमें ऐड करें, इट इज एन एस्टर क्लास, व्हेन वाटर इज एडेड इन इट, इट विल फॉर्म एसिड एंड अल्कोहल, COOH प्लस इट विल फॉर्म C2H5OH, ओके क्लास।
या मैं इसको थोड़ा सा रिएक्शन को और इधर क्लोज, बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ लिख लेता हूँ, CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, सो इट विल बिकम CH3 COOH प्लस C2H5 OH. सो लिसन क्लास, वॉट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? लिसन एक्चुअली क्लास, अंडर सर्टेन कंडीशंस वॉट हैपन, अगर हम इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, इट इज क्लियरली विजिबल दैट दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, एक ये है एक ये है, तो रेट अगर हम इसका लिखेंगे, सो रेट आएगा के इज द रेट कॉन्स्टेंट, CH3 COO C2H5 एंड वाटर. ओके क्लास, एंड वाटर. नाउ क्लास, सो अगर हम यहां देखें इस रेट के हिसाब से, सो इट इज लुकिंग वॉट, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. एक ये है और एक ही है रिएक्टेंट, सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. बट एक्चुअली वॉट हैपन, इफ इन दिस रिएक्शन वी आर टेकिंग एक्सेस ऑफ वाटर, वॉट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग इफ यू आर टेकिंग एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट में मैंने वाटर ले लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में. डू यू रिमेंबर क्लास, आई टोल्ड यू जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने पहले अपने जो पहले भी डिस्कस किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो डू यू रिमेंबर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हुआ था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स टू मच, बहुत ज्यादा, कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था इट बिकम्स वॉट? कॉन्स्टेंट. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. सपोज वाटर, आई मीन वन ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे हमने यहाँ दो रिएक्टेंट ले लिए, सो इट इज कंसिडर्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन अगर इन दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट, जैसे कि जीरो ऑर्डर में होता बहुत ज़्यादा अमाउंट, तो यहाँ पर इस केस में जो रिएक्शन है ना, इसमें होता है वाटर का अमाउंट ज़्यादा. तो इस केस में वाटर का अमाउंट बहुत 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 ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है, जितने भी एस्टर ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और एसिटिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं, इस वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. क्यों इम्पैक्ट नहीं है? क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा वाटर है, इतना ज़्यादा वाटर है कि इसमें जितना भी ये एस्टर इससे कंबाइन करता रहेगा, वाटर कम ही नहीं हो रहा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना था उतना ही है, इतना ज़्यादा है अमाउंट वाटर का कि उसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन करने के बाद भी इट इज़ नॉट गोइंग टू रिड्यूस. आर यू गेटिंग मी? द वॉटर इज इन टू मच अमाउंट, इट इज इन एक्सेस, कि अगर ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के बाद भी इसका अमाउंट रिड्यूस नहीं हो रहा है. ओके, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसका अमाउंट रिड्यूस हो ही नहीं रहा है. अल्टीमेटली वी कैन सी इसका जो अमाउंट है, इट बिकम्स वॉट? अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट. सो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट. ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट हो गया. आर यू गेटिंग मी? सो जैसे जीरो ऑर्डर में था, जो रेट होगा हमारा, इट वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. आर यू गेटिंग मी क्लास? दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंडिपेंडेंट ऑन ओनली दिस रिएक्टेंट. आर यू गेटिंग मी? इट इज कॉन्स्टेंट ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का है, तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बिकम अ कॉन्स्टेंट. ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, जितना भी रिएक्शन बढ़ रहा है इतना ज़्यादा है कि इसके इसके जो अमाउंट है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा. सो इट विल बिकम वॉट? अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट. ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट. सो रेट जो होगा एक्चुअली वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड हो गया. आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये जो रेट था, इट डिपेंड्स ओनली वन रिएक्टेंट, सो इट मीन्स इसकी पावर है वन. सो दिस रिएक्शन एक्चुअली इनिशियली इट वॉज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ देखो, बट ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज अ स्पेशल कंडीशन, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो ये रिमूव हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, सो रेट बिकम्स ओनली, I mean dependent on the concentration of one reactant. So now in this condition, this reaction becomes a kind of first order. So हमने क्या देखा? ये जो हमारा reaction था, actually it was not first order, but due to excess amount of water and due to the constant concentration of water, it becomes what? First order reaction.
Are you getting me? It becomes only independent only the concentration of this ester. So that's why this reaction was not first order, but it had to be first order. It will have to behave like the first order. These kind of reactions are known as pseudo first order. Pseudo ka meaning hi kya hota hai? Pseudo matlab jo real na ho. Really mein first order nahi hai. But due to certain conditions, ye they'll behave like first order reaction. Iska ek aur example lete hain class mein. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का. ऑब्जर्व करो इसको एक और. देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर. इट इज सुक्रोज. सुक्रोज इज अ शुगर, यू नो, केन शुगर. इसका जब हम हाइड्रेशन करेंगे, ओके, हाइड्रोलिसिस इसका हमने किया. सो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, सुक्रोज व्हेनेवर इट इज एडेड इन वाटर इट इज ब्रोकन डाउन इन टू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, इसका हाइड्रोलिसिस किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके, यहाँ पर भी जो हमारा ये रिएक्शन है इसका जो रेट होगा, यहाँ पर ये वाटर के इंडिपेंडेंट है यहाँ पर भी. सो रेट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सुक्रोज. इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सुक्रोज. सो दिस इज ऑल्सो इट शुड बी द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट because water is in excess, amount of water is too much, so that's why it becomes what, a kind of pseudo first order reaction. Tha ye second order, but kyunki bahut zyada amount hai water ka, it will also behave like a pseudo order reaction. Ye hamara dextro rotatory hota hai class, ye hum baad mein baat karenge. Aur ye glucose bhi hamara dextro rotatory hota hai, fructose hota hai levo rotatory. Kya hota hai ye rotation, hum iski organic chemistry mein discuss karenge isko. Okay class, I think it would be clear to all of you, pseudo first order reaction, it would be clear to all of you. So class, it was for today's class. So have a nice day ahead and don't come out of your house, okay, because the condition is very dangerous outside, corona is spreading. Okay, so class, so goodbye for today, have a nice day ahead, and if you like the video, please press the like icon just below. Okay, so goodbye.